हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की रेसिपी में मैं आपके लिए कुछ डाइटिंग से नहीं बल्कि नॉन डाइटिंग एक बहुत ही डिलीशियस गुलाब जामुन ट्रैवल केक लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इस पे ये सब डेकोरेशन नहीं भी करेंगे तो भी आपको वो एज ए स्लाइस केक खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे रूम टेम्परेचर की दही। यहाँ पे मेरा 85 ग्राम जो है, 84 ग्राम 85 ग्राम आप ले सकते हैं रूम टेम्परेचर की दही है। अब यहाँ पे जितना हमने दही लिया है उतना ही हम लेंगे चीनी। यहाँ मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी मैं मेजर करके 85 ग्राम लूँगी पाउडर शुगर। इसको अब हमें अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो हैंड विस्क यूज़ कर ले या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ कर ले। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी दही और चीनी अच्छे से फिट चुकी है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी ब्रांड का रिफाइन ऑयल ले सकते हैं, बस उसमें कोई टेस्ट या अलग फ्लेवर ना हो। मैंने जो कप यूज़ किया है ये है 200 ml के कप का मेजरमेंट मैं ले रही हूँ। इसी का 1/3 कप जो है वो मैंने लिया है। अगर आपके पास 1/3 कप नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, 1 कप जो है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और जो नीचे का पार्ट होगा एक वो हो जाएगा 1/3। इसको भी अब हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ऑयल जो है वो हमारा दही और चीनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, 1 मिनट में यहाँ हमारा जो रिफाइंड ऑयल है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हमारा डेजर्ट में होने वाला है ट्रैवल केक। तो इसमें आप चाहें तो रोज एसेंस मिला सकते हैं या फिर आप इसमें किसी मिठाई का फ्लेवर मिला सकते हैं। तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ रसमलाई का एसेंस। अगर आपके पास रोज़ एसेंस या रसमलाई एसेंस नहीं होता है तो आप इलायची का पाउडर भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिला सकते हैं या फिर आप वेनिला के अच्छी क्वालिटी वाला जो एसेंस होता है अच्छे ब्रांड का, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 TSP मिलाया है रसमलाई एसेंस। इसके बाद मैं इसमें मिलाने वाली हूँ 1 कप मैदा। ग्राम में ये 120 ग्राम मैदा है। नेक्स्ट इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं 2 हरी इलायची छोटी यूज़ कर रही हूँ, इसको कूट के मैं इसमें मिक्स करूँगी। इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे स्पून से। वन थर्ड कप इसमें मैं डालूंगी दूध। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। इसको हम एक बार ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा दूध और सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो सब आपस में मिक्स हो जाए। अब इसमें हमारा जाएगा मेन इंग्रेडिएंट जिसके नाम पे हमारा ये बना है ट्रैवल केक। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 गुलाब जामुन और इसके अब हम करेंगे छोटे छोटे पीसेस।
यहाँ पे मेरे गुलाब जामुन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1.5 गुलाब जामुन डालने वाली हूँ। और यहाँ गुलाब जामुन के पीसेस को हम मिलाएंगे इस हमारे केक के बैटर में, और इसको अब हम विस्क से नहीं, इसको हम स्पून से ही थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होने वाला है आपके इस केक का। यहाँ पे जो मैं लोफ का टिन यूज़ करने वाली हूँ वो 3x7 इंच का लोफ टिन है, और इसको मैंने घी से ग्रीस किया है और मैदे से डस्ट किया है। एक्स्ट्रा मैदा निकाल दें वरना आपका केक वहाँ से जल सकता है। और जो हमारा केक का बैटर है इसको हम डालेंगे इस टिन में। जब आप ये केक ट्राई करेंगे तब आप खुद फील करेंगे कि कितनी अच्छी इसकी जो खुशबू आ रही है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेंगे टैप 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। मैंने ओवन प्रीहीट होने के लिए रखा हुआ था, तो मेरा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है, केक का बैटर भी रेडी हो चुका है। इसको मैं 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। आपके ओवन के साइज़ पे भी डिपेंड होगा कि आपका केक कितना जल्दी या कितनी देर में बेक हो रहा है। तो 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए इसको बेक करें, उसके बाद आप एक बार देख लें कि आप अगर इसको थोड़ा सा और टाइम लग रहा है बेक होने में तो 5 से 10 मिनट के लिए और टाइम आप बढ़ा सकते हैं। और हो सकता है अगर आपका ओवन का साइज़ छोटा है तो ये 25 मिनट में भी बेक हो सकता है। तो आप अपनी नज़र अपने ओवन पे रखें 20 मिनट के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बेक होने के बाद कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 से 35 मिनट में बहुत अच्छे से ये बेक हो गया है। इसका कलर और इसकी खुशबू आप ये देख सकते हैं, जो गुलाब जामुन के पीस इसके बीच में आए हुए। आप इसको टैप करेंगे थोड़ा सा और ये केक बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत ही अभी हल्का गर्म है इसलिए मैं इसको ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ। अब हमें करना है इसमें एक नेक्स्ट काम। इसको हम स्लाइस में नहीं कट कर सकते हैं, इसलिए हमको इसे ऊपर से ही शुगर सिरप से सोकिंग करना है। आप चाहे तो शुगर सिरप का बना सकते हैं, सेम क्वांटिटी में चीनी और पानी लेके, और बॉयल आने के बाद उसको फिर 5 मिनट थोड़ा सा बॉयल होने दें। पर यहाँ मैं गुलाब जामुन की चाशनी ही यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसको इस तरीके से। हर तरफ से इसको सोक करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें गीला नहीं करना है। ये काम आपको जब केक एकदम गर्म हो तब नहीं करना है। हल्का सा केक को थोड़ा सा ठंडा होने दें, टिन से निकलने का वेट करें और उसके बाद ऐसा करें तो आपका केक में थोड़ा सा सॉफ्टनेस और रहेगी, केक आपका ड्राई नहीं होगा इस तरीके से। तो इसको हम हर तरफ से जितने साइड्स हैं उस साइड से हम इस तरीके से इसको सोक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सोकिंग नहीं करनी है, इसको हम थोड़ा सा सेट होने देते हैं और तब तक हम करेंगे हमारे गनाश की तैयारी, जो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 100 ग्राम वाइट चॉकलेट, ये मोडे का मैंने लिया है, और इसको डबल बॉयलर की हेल्प से इसको हम करेंगे मेल्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर का अमूल फ्रेश क्रीम। अगर आपकी अमूल फ्रेश क्रीम फ्रिज में रखी हुई है तो उसको पहले ही निकाल के रूम टेम्परेचर पे कर लें, या फिर आप चॉकलेट से पहले क्रीम को गर्म करें और उसके बाद उसमें आप चॉकलेट मिलाएं। तो यहाँ पे मैं मेजर करके 30 ग्राम लेने वाली हूँ फ्रेश क्रीम। हमारी चॉकलेट अभी गर्म है इसलिए जो क्रीम है हमारी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी।
इस गनाश में आप कोई भी फ्लेवर का एसेंस या कोई भी फ्लेवर इसमें मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे केक में मैंने रसमलाई एसेंस यूज़ किया था, तो मैं कुछ ड्रॉप्स गनाश में भी वही डालने वाली हूँ ताकि इसका फ्लेवर प्लेन ना आए। और इस गनाश को अब मैं पोर करने वाली हूँ इस हमारे लोफ पे। आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर, कोई भी फ्लेवर का एसेंस मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ वाइट रखने वाली हूँ। अब इस केक को हम गनाश के साथ थोड़ा सा सेट होने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए ऐसे ही। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे और ठंडा ठंडा आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही माउथ वाटरिंग केक है ये, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप किसी भी फेस्टिवल, किसी ओकेजन पे, किसी को गिफ्ट देने में या फिर घर पर अगर कोई आ रहा हो तो उसको भी आपको देने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।